हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट रिजल्ट 224 के बारे में। आपका जो रिजल्ट है वो कब तक रिलीज किया जाएगा, डाउनलोड कैसे करना होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखा है वीडियो में। मेक श्योर की वीडियो लास्ट देखें। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं वीडियो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना हो। सिंपली बढ़ेंगे आ गए वीडियो की तरफ। दोस्तों बात करें जो आपका महाराष्ट्र सेट का जो एग्जाम रिजल्ट है वो रिलीज किया जाएगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट किया गया था। रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी मंथ के मिड में रहेगी, यानी जुलाई के मिड में आने की प्रोबेबिलिटी रहे, सेकेंड या थर्ड वीक में। एक्सपेक्टेड तो यही है, बाकी फिलहाल पुराने आर्टिकल आप चेक करेंगे तो उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी मिलेगी कि उससे पता चल जाएगा कि रिजल्ट कब आया था। जनरली जो पुराने अपडेट होते हैं आप उसको गूगल पर जाकर सर्च करेंगे 22 या 23 सेशन डाल के, जिस सेशन का सर्च करना है सर्च करेंगे, जिसका देखना है आपको सर्च करेंगे गूगल पर, तो उस साल के आर्टिकल उठ के आ जाएंगे, उस साल के अपडेट्स उठ के आ जाएंगे कि वो किस टाइम पर रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। वो तो उसकी पब्लिश डेट होगी और उसमें एग्जाम डेट भी लिखी होगी, बाकी वो पुराने अपडेट की बात है। इस साल का जो अपडेट है 2024 का वो मंथ के मिड में कहने की पॉसिबिलिटी है, मतलब मिड ऑफ जुलाई में आने की प्रोबेबिलिटी है, सेकेंड या थर्ड वीक। इसको डाउनलोड कैसे करना होगा, सबसे पहले आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर आपको रिकमेंड टैब या फिर लेटेस्ट सेक्शन में जाके मिलेगा। लिंक जहाँ पर भी दिखे सिंपली क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लॉगिन तो करना ही होगा यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के। आपकी जो भी डिटेल में मांगे सबमिट कर दीजिएगा और फाइनल लॉगिन के बाद आपका रिजल्ट शो हो जाएगा स्क्रीन पर। थैंक यू।